इसरो के साथ और स्पेस एजेंसी के साथ बातचीत और सहयोग कर रहे हैं, और कुछ जेफ स्पेस चैलेंजेस जो यू नो अराउंड 75-80 चैलेंजेस में से 25 चैलेंजेस भारतीय वायुसेना के थे, उसमें से 10 के और या फिर आई थिंक 11 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, एंड तीन चार पर माह हम लोग उसके रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। सो हमारा पूरा ये स्पेस बेस्ड एसेट्स को बढ़ाने का जो काम है वो इस समय ऑन है। भारतीय वायुसेना स्पेस सेक्टर में भी काम तेजी से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हर किसी को ये मालूम है कि भारत के पड़ोसी देश खासकर चीन वो स्पेस सेक्टर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और अंतरिक्ष की सैन्य चुनौतियों को देखते हुए भारत भी मजबूत एरोस्पेस पावर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को बेहतरीन एयर पावर बनने के लिए क्या कुछ करना है, इसकी तैयारियां जोरों पर है, और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना जो अपना स्पेस कार्यक्रम है वो बड़ी तेजी से बढ़ा रही है। डीआरडीओ और इसके अलावा कई और सहयोगियों के साथ मिलकर काम भी कर रही है। सुनिए क्या कुछ बताया है वायुसेना चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। हम ये कहते रहे हैं कि वायु और स्पेस, अंतरिक्ष और वायु के बीच में एक कंटिन्यूअस वो है, इट्स अ कंटिन्यूम, एयर एंड स्पेस इज अ कंटिन्यूम। तो हमारे को जो रिक्वायरमेंट है एट द मोमेंट, जो हमारी स्पेस बेस्ड चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो द प्रोग्राम SBS 3 प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो लॉन्च होंगे वो अभी उस काम में हम लोग इसरो के साथ और स्पेस एजेंसी के साथ बातचीत और सहयोग कर रहे हैं, और कुछ जेफ स्पेस चैलेंजेस जो यू नो अराउंड 75-80 चैलेंजेस में से 25 चैलेंजेस भारतीय वायुसेना के थे, उसमें से 10 के और या फिर आई थिंक 11 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, एंड तीन चार पर माह हम लोग उसके रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। सो हमारा पूरा ये स्पेस बेस्ड एसेट्स को बढ़ाने का जो काम है वो इस समय ऑन है। उसके ज़्यादा उससे अलावा हमारे पास ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो सेंटर फॉर एयर वॉरफेयर कॉ है हैदराबाद में इंस्टीट्यूट, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पेस। तो हमारी जो स्पेस बेस्ड ट्रेनिंग है, जो स्पेस एसेट्स को यूज़ करने की, स्पेस ओरिएंटेशन की, वो अब हम हमारे एयर वॉरियर्स को, ऑफिसर्स एयरमैन दोनों को वहाँ पर कराते हैं। उसका कुछ पोर्शन इवन एयरफोर्स अकेडमी में होता है, कुछ जैसे स्पेस बेस्ड मेट्रोलॉजी एंड कुछ पार्ट जो है वो वहाँ पे हैदराबाद में होता है। जिस तरह से दुनिया में युद्ध के तकनीक बदल रहे हैं, ये हर किसी को मालूम है कि अब मैन टू मैन बैटल से ज्यादा ड्रोन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले दिनों में AI और दूसरे अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में सभी मानकर चल रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी युद्ध आने वाले दिनों में लड़ा जा सकता है। ऐसे में भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों पर जोर दे रही है, और यही वजह है कि उस दिशा में तेजी से काम भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।